उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के औपन्यासिक अवदान पर विचार करते हुए हम भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान को याद करते हैं भारत का स्वाधीनता संग्राम कब प्रारंभ हुआ इसको लेकर विचारकों में मतभेद होना स्वाभाविक है क्योंकि भारत की प्राधीनता केवल अंग्रेज़ों के समय की 200 वर्ष की नहीं थी जब से विदेशी इस देश में आए और उन्होंने दिल्ली में अपना राज्य स्थापित किया तभी से प्रतिरोध प्रारंभ हो गया इसलिए विदेशी सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध के जितने भी स्वर गत 1000 वर्षों में उठे उन सभी को हम भारतीय स्वाधीनता संग्राम का हिस्सा मान सकते हैं क्योंकि भारत भले ही राजनीतिक दृष्टि से पराजित हुआ हो लेकिन भारतीय मानस ने कभी पराजय स्वीकार नहीं की यहाँ पर बाबर को संग्राम सिंह से लोहा लेना पड़ा अकबर को राणा प्रताप ने चुनौती दी औरंगजेब को शिवाजी और गोविंद सिंह की चुनौती का सामना करना पड़ा और ऐसे ही अंग्रेज़ों के समय में अठारह की क्रांति में असंख्य वीरों ने बलिदान दिए कांग्रेस की स्थापना के पश्चात स्वाधीनता संग्राम का एक नया युग प्रारंभ हुआ जो कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध चला इसलिए जब हम स्वतंत्रता संग्राम की पर परिकल्पना करते हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि यह संग्राम केवल कांग्रेस के समय से चलकर उन्नीस तक का नहीं था बल्कि ये उतना ही पुराना है जितना पुराना इस देश में प्राधीनता का विदेशियों के सत्ता प्राप्त करने का इतिहास है मुंशी प्रेमचंद का समय 1880 से 1936 के बीच का है इस समय में एक और कांग्रेस का गठन हुआ और कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश के लाखों लोगों ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और ये संघर्ष मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में उनके उपन्यासों में पूरी तरह से ध्वनित होता है लक्षित होता है लेकिन इसके साथ साथ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ और उसका वो अमर गीत वंदे मातरम लेकर हजारों स्वतंत्रता सेनानी आगे आए क्रांति की मशाल लेकर चले और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति दी गांधी के शांति में आंदोलन के साथ साथ इस देश का क्रांतिकारी आंदोलन भी चलता रहा मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में क्रांतिकारी आंदोलन का चित्रण भी विस्तार से हुआ है ये बात और है कि मुंशी प्रेमचंद राजनीतिक उपन्यासकार नहीं थे जैसे कि यशपाल थे फिर भी वे बहुत सजग लेखक थे इसलिए उनके समय में जो कुछ भी परिवेश में था उस सब को समेट कर उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की है वास्तव में कोई भी कालजयी रचना तभी बनती है जब वह अपने समय के सहार को लेकर चले और भविष्य के लिए उस मार्गदर्शक बने उसकी प्रासंगिकता वर्तमान में तो हो ही लेकिन भविष्य में भी वो प्रासंगिक रहे तो वो रचना कालजयी होती है मुंशी प्रेमचंद ने हमें कालजयी उपन्यास दिए हैं उनके उपन्यासों में कर्मभूमि सेवा सदन गबन गोदान रंगभूमि जैसे उपन्यास हैं जो कि विश्व साहित्य के माने जा सकते हैं के समानांतर माने जा सकते हैं प्रेमचंद के योगदान को लेकर आलोचकों ने बहुत सुंदर ढंग से अपनी बात कही है प्रेमचंद के मूर्धन्य आलोचक कमल किशोर गोयनका जी जिन्होंने प्रेमचंद के साहित्य का और जीवन का कोना कोना झांका है उन्होंने मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों के विषय में क्या कहा है वो कहते हैं कि प्रेमचंद का साहित्य भारत के स्वाधीनता संग्राम का साहित्यिक संस्करण है अर्थात भारतीय स्वाधीनता संग्राम जिस गति से चल रहा था उसकी पूरी गति को समेटने का कार्य प्रेमचंद ने किया है वास्तव में प्रेमचंद के निकट स्वाधीनता का अर्थ केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं था वे चाहते थे कि ये समाज कुरीतियों से मुक्त हो यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव हो यहाँ पर समानता हो दलितों का उद्धार हो और उसके साथ साथ वैचारिक आज़ादी हो हम वैचारिक उपनिवेशिकता में फंसे ना रहें हम मौलिक चिंतन कर सकें तभी हम अपने आप को आज़ाद कह सकते हैं इसलिए राजनैतिक सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक आज़ादी मिलकर आज़ादी की परिकल्पना को पूरा करते हैं और मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों में इन चारों तरह की धारणाओं को आज़ादी विषयक विचारों को लिया गया है इसलिए उनका स्वाधीनता संग्राम का चित्रण अपने आप में पूर्ण है अधूरा नहीं है प्रेमचंद की राजनीतिक दृष्टि का निर्माण किन अवयवों से हुआ इस पर विचार करन, करना उचित रहेगा वास्तव में साहित्यकारों में बंकिम चंद्र चटर्जी रविंद्रनाथ टैगोर विदेशी साहित्यकारों में मैक्सिम गोरके और टोलस्टॉय का प्रभाव उन पर सर्वाधिक दिखाई पड़ता है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में जो क्रांति की भावना रही उसको प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में तो कम उठाया है लेकिन उनकी कहानियों में राजपूत काल और उससे पूर्व की यहाँ की ऐतिहासिक स्थिति को लेकर अनेक कहानियाँ लिखी गई हैं रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रकवि भी माने जा सकते हैं और उनकी रचनाओं को लेकर प्रेमचंद ने खूब अध्ययन किया था और इसलिए जो राष्ट्रीयता की परिकल्पना टैगोर की है वह प्रेमचंद के उपन्यासों में लक्षित होती है मैक्सिम गोरकी जो कि रूस का बहुत ही सशक्त साहित्यकार था जिसने माँ जैसा कालजाई उपन्यास लिखा और रूसी क्रांति के वाहकों में से एक था उसका प्रभाव भी मुंशी प्रेमचंद के लेखन पर रहा इस प्रकार साहित्यकारों में देशी विदेशी अनेक साहित्यकारों ने प्रेमचंद की राजनैतिक दृष्टि के निर्माण में सहायता की जहाँ तक नेताओं का प्रश्न है कांग्रेस के भीतर गरम दल और नरम दल दोनों थे गर्मदल के लोग बंकिम चंद्र के राष्ट्रीय पुनर्जागरण के सिद्धांत को लेकर चल रहे थे रिवाइवलिज्म को लेकर चल रहे थे और वो भारत के स्वर्णिम अतीत को आगे लाना चाहते थे प्रेमचंद के आदर्श तिलक हैं गोखले नहीं हैं क्योंकि गोखले मूलतः दल के थे और उनका लक्ष्य था अंग्रेजों को मनाकर अंग्रेज़ों की के सामने प्रार्थना करके अपने लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त कर लेना इसलिए मुंशी प्रेमचंद पर गर्म दल के प्रभाव के कारण ही क्रांतिकारियों की विचारधारा का प्रभाव भी रहा इसके साथ साथ विदेशों में जो सबसे बड़ी घटना घटी वो उन्नीस की रूसी क्रांति थी रूसी क्रांति का प्रभाव साम्यवाद के रूप में पूरे विश्व पर पड़ा मुंशी प्रेमचंद अपने मित्र दयाप्रकाश निगम जी को लिखते हैं कि मैं लगभग बोल्शेविक हो गया हूँ अर्थात साम्यवादी विचारों का पक्षधर हो गया हूँ क्योंकि वो समानता लाने की बात कर रहे हैं लेकिन समय के साथ साथ उनका मोहभंग हुआ और उन्हें लगने लगा कि साम्यवादी विचार भी बहुत ज़्यादा साम्राज्यवादी है और अगर राष्ट्रवाद हानिकारक हो सकता है तो साम्यवाद उससे कहीं ज़्यादा हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसके भीतर वैचारिक स्वतंत्रता नहीं है इस प्रकार प्रेमचंद प्रारंभिक स्थितियों अवस्था में प्रशंसक रहे सौम्यवाद के और असाम्यवादी विचारधारा के लेकिन धीरे धीरे उनका मोह भंग हुआ और उन्होंने साम्यवाद को अधिक स्थान अपने उपन्यासों में नहीं दिया प्राय उसकी आलोचना अधिक की है समर्थन बहुत कम किया है तो इस दृष्टि से प्रेमचंद की जो राजनैतिक दृष्टि है उसके निर्माण में बहुत सी बातों का प्रभाव रहा है जो कांग्रेस के आंदोलन चले उनका प्रभाव सबसे अधिक था 1921 में गांधी जी को उन्होंने पहली बार गोरखपुर में सुना और सुनने के बाद वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांधीवादी आंदोलनों में भाग लेने लगे लेकिन गांधी की हृदय परिवर्तन की विचारधारा को वो स्वीकार करते हैं साथ ही ये भी कहते हैं कि मैं गांधीवादी नहीं हूँ क्योंकि गांधी के सारे विचारों का समर्थन मैं नहीं कर सकता वो टॉल्सटॉय से प्रभावित थे लेकिन टोल्स ईश्वरवादी थे प्रेमचंद ईश्वरवादी नहीं थे और ना ही वो कर्मकांडों में विश्वास करते थे इस नाते से वो टॉल की प्रेम की भावना को स्वीकार करते थे लेकिन वो पूरी तरह टॉल्स्टॉय के भक्त थे ऐसा भी नहीं कहा जा सकता इसलिए मुंशी प्रेमचंद की राजनीतिक विचारधारा का निर्माण विभिन्न घटनाओं से हुआ जो कि इस देश में कांग्रेस के नेतृत्व में घटित हुई समय समय पर यहाँ बहुत सारे आंदोलन कांग्रेस ने किए जिनमें नमक सत्याग्रह है असहयोग आंदोलन है 1942 तो बाद में आया लेकिन उससे पहले गांधी से भी पहले मुंशी प्रेमचंद समाज सुधार की बातें कर रहे थे जो कि बाद में गांधी जी ने अपने कार्यक्रमों में ली और इस अर्थ में हम ये भी कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का साहित्य गांधी का अनेक अर्थों में पथ प्रदर्शक भी रहा है केवल उसका पिछलग्गो नहीं रहा तो इस नाते भी मुंशी प्रेमचंद की राजनीतिक विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण है उनकी विचारधारा के विषय में विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर अपने उद्गार व्यक्त किए हैं कमल किशोर गोयन का बड़े सम्मान के साथ कहते हैं कि प्रेमचंद की साहित्य यात्रा राष्ट्र प्रेम से प्रारंभ हुई और वहीं समाप्त हुई अर्थात उनका पूरा साहित्य राष्ट्र प्रेम का साहित्य है वो ये भी कहते हैं प्रेमचंद साहित्य में देश प्रेम दासता से मुक्ति स्वराज्य कामना भारतीय आत्मा की रक्षा और भारत के समता मूलक कल्याणकारी स्वतंत्र देश के रूप में विकसित करने की भावना है वास्तव में उनका जो पहला कहानी संग्रह सोजे वतन आया उसमें उनकी राजनीतिक विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है सरकारी नौकरी करने वाला एक व्यक्ति सोजे वतन जैसी पुस्तक लिखता है कहानी संग्रह प्रकाशित करता है जिससे अंग्रेज अधिकारियों को विद्रोह की बगावत की बू आती है वो उस पर प्रतिबंध लगाते हैं सोजे वतन 1908 में प्रकाशित हुई थी तब से 1936 तक जो भी साहित्य प्रेमचंद ने लिखा वो सारा का सारा राष्ट्र को समर्पित है ये कहा जा सकता है क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जमाना में जागरण में हंस में मर्यादा में यहाँ तक कि सरस्वती पत्रिका में भी अनेक लेख लिखे जिसमें भारतीय स्वाधीनता संग्राम की वकालत की गई उसका पक्ष लिया गया और उसे मजबूत करने के लिए आग्रह किया गया हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी स्वाधीनता संग्राम के नायक थे लेकिन वे महात्मा गांधी प्रेमचंद के लिए आदर्श नायक नहीं थे क्योंकि वे उनका मानना था कि राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए सशस्त्र क्रांति भी आवश्यक है स्वाधीनता आंदोलन पर मुंशी प्रेमचंद ने बहुत विस्तार से लिखा है 1921 में प्रेमचंद ने भारतीय समाज में सांप्रदायिक समरसता पर विचार करते समय लिखा था हिंदू मुस्लिम एकता का मसला निहायत नाजुक है और अगर एहतियात और धीरज और रवादारी से काम ना लिया गया तो वह स्वराज्य के आंदोलन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट साबित होगा कहने का भाव यह है कि मुंशी प्रेमचंद ये मानते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता से ही आज़ादी प्राप्त की जा सकती है इसलिए दंगों को लेकर जब भी सांप्रदायिक दंगे हुए वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने एक लेख लिखा मनुष्यता का अकाल 1923 में जिसमें दंगों में मानवता की हत्या या मृत्यु की समस्या को उठाया गया वास्तव में जो सांप्रदायिकता का प्रश्न है उसको लेकर नाम्बर सिंह जी का विचार थोड़ा भिन्न है नाम्बर सिंह हिंदी के प्रख्यात आलोचक रहे हैं विचारक रहे हैं उनका यह मानना था कि सांप्रदायिकता के लिए भारत की दक्षिणपंथी विचारधारा महत्वपूर्ण है वही इसके लिए जिम्मेवार है जबकि मुंशी प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने एक लेख लिखा जिसमें ये स्पष्ट किया कि इसके लिए हम सब जिम्मेवार हो सकते हैं लेकिन अधिकतर मुस्लिम सांप्रदायिकता इसके लिए जिम्मेवार रही है अमृत राय का का विरोध नामवर सिंह जी ने करते हुए ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि वास्तव में सांप्रदायिकता के लिए केवल दक्षिणपंथी अर्थात जब से जनसंघ अथवा उससे संबंधित संस्थाएं बहुत सशक्त हुई तब से सांप्रदायिकता बढ़ी है नामवर सिंह अपनी वामपंथी चेतना के अनुरूप दक्षिण पंथ को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं ये स्वाभाविक है लेकिन अमृत राय ने जो प्रश्न उठाए हैं वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं क्योंकि वे ये स्पष्ट करते हैं कि दंगों की शुरुआत प्राय मुस्लिम समाज की ओर से होती रही है साम्प्रदायिकता के प्रश्न पर अमृत राय का कथन कह, ये है कि प्रेमचंद अपने आप को कट्टर हिंदू नहीं कहते बल्कि वो कहते हैं कि वे तो अपने आप को नाम मात्र का हिंदू ही मानते थे इस पर नाम्बर सिंह लिखते हैं गनीमत है उन्होंने अपने को नाम से हिंदू होना स्वीकार तो किया शूद्र तो नाम से भी हिंदू नहीं वरना उनकी सूची में उनका नाम तो होता क्या यह भूल आकस्मिक है एक और बढ़ती हुई मुस्लिम सांप्रदायिकता पर चोट करने की उतावली और दूसरी ओर स्वर्ण हिंदू का बद्धमूल संस्कार यह चमत्कार श्री अमृत राय ही कर सकते हैं ये जो व्यंग्यात्मक लहजा है नामवर सिंह जी का अमृत राय का कहना यह है कि हिंदू समाज इतनी जातियों में इतने संप्रदायों में बंटा हुआ है कि वो बहुसंख्यक नाम मात्र को है और कट्टरता उस समाज में प्रायः नहीं है लेकिन नामबर संघ नाम्बर जी उनके स्तर को स्वीकार नहीं करते हैं और कहते हैं कि आज़ादी के बाद हिंदू मुस्लिम दंगों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब जनसंघ एक अच्छी खासी राजनीतिक पार्टी के रूप में प्रतिष्ठित हो गया तथा जनसंघ की छाया में आरएसएस के अपने सैनिक कार्यों के विस्तार के लिए काफ़ी सुविधाएं उसे प्राप्त हो गई मुंशी प्रेमचंद सांप्रदायिकता की समस्या को सुलझाना चाहते थे और उसके लिए दोनों पक्षों को साथ लेकर चलना चाहते थे और प्रायः वो हिंदुओं को अधिक दोष देते थे क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक थे और मानते थे कि उनका दायित्व तो है कि वो सबको साथ लेकर चलें प्रेमचंद ने प्रेमाश्रम में सांप्रदायिकता की ओर संकेत किया है और उनके अन्य उपन्यासों में भी सांप्रदायिक सद्भाव की वकालत प्राय की गई है उन्नीस में जागरण में उन्होंने एक लेख लिखा था सांप्रदायिकता और संस्कृति उनका मानना था कि प्राय सांप्रदायिक लोग संस्कृति की दुहाई देकर अपनी सांप्रदायिकता को छुपाते हैं और इसका चित्रण उनके प्रारंभिक उपन्यासों में विशेषकर प्रतिज्ञा में और वरदान में तथा सेवा सदन में हुआ है मुंशी प्रेमचंद ने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अपने राजनीतिक विचार प्रकाशित किए और अपने समय की राजनीति को ध्वनित भी किया और उसका मार्गदर्शन भी करने का प्रयास किया तीन फरवरी उन्नीस को साइमन कमीशन इस देश में आया था लाला लाजपत राय ने उनका विरोध किया था उन पर लाठियां बरसाई गई और उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई प्रेमचंद ने इस अत्याचार को देखकर कहा था यहाँ भी रूस की सी शक्तियाँ आएंगी और बड़ों को मार मार कर दुरुस्त कर देंगी अर्थात उन्हें आशा थी इस देश में क्रांति होगी और अंग्रेजों का राज्य समाप्त होगा इसके साथ ही 24 मार्च को जब भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी हो गई तो उन्होंने इसके विरोध में अनेक लेख लिखे यहीं से उन्होंने महाजनी सभ्यता अर्थात पूंजीवाद पर प्रहार करना शुरू किया महात्मा गांधी के आंदोलनों को लेकर हंस में उन्होंने बहुत सी टिप्पणियाँ की 1930 में आज़ादी की लड़ाई शीर्षक से लेख लिखा और गांधी के नेतृत्व को स्वीकार किया सांप्रदायिक दंगों पर सरकार निष्क्रिय रही इसलिए मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं सरकार अगर आंखें बंद रखना चाहती है तो रखे पर उसके आंखें बंद कर लेने से देश की स्थिति नहीं बदल जाएगी देश अपनी किस्मत का मालिक आप बनना चाहता है उसकी कीमत अदा करने का उसने निर्णय कर लिया है इसी प्रकार 1931 में कानपुर के सांप्रदायिक दंगों के ऊपर उन्होंने सरकार पर प्रश्न उठाया और पूछा था कि सरकार मूक दर्शक बनकर क्यों बैठी है 1932 में हंस में ही उन्होंने दमन की सीमा नामक एक बहुत ही ओजस्वी लेख लिखा और अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में अपना मत देते हुए कहा कि अंग्रेज राज्य सर्वाधिक दमनकारी है इसी तरह से वैचारिक आज़ादी को आगे बढ़ाने के लिए 1931 में उन्होंने मानसिक प्राधीनता नामक लेख हंस में लिखा जनवरी में और अप्रैल में उसी वर्ष राष्ट्रीय कार्यों में गुलामी शीर्षक लिखकर जो राष्ट्रवादी विचारक थे उन्हें अंग्रेजों की वैचारिक गुलामी से मुक्त होने की प्रेरणा दी 1931 के दिसंबर में अंग्रेजी भाषा का रोग नामक लेख लिखकर उन्होंने अंग्रेजी को वैचारिक गुलामी का आधार माना और उससे मुक्त होने की बात कही 1931 में ही उनका एक और लेख कांग्रेस ज़िंदाबाद आया जो कि गांधी इरविन समझौते के पश्चात सामने आया था ये बात और है कि मुंशी प्रेमचंद निरंतर कांग्रेस के पक्ष में भी लिखते रहे क्योंकि जहां उन्हें लगा कि कांग्रेस राष्ट्रहित में कार्य कर रही है वो उनके सारे आंदोलनों का समर्थन करते हैं लेकिन जहां पर उन्हें लगता है कि कांग्रेस अपने मार्ग से भटक गई है तो वो उसका विरोध करने में भी नहीं सुखचाते इसलिए विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए लेकिन सरकार का अथवा किसी राजनीतिक दल का मुखपत्र बनने से इनकार किया वो स, स, निर्भीक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अपनी हैसियत बनाना चाहते थे और उसी रूप में उन्होंने कार्य किया यहाँ तक कि उन्नीस में उन्हें सरकार की ओर से राय बहादुर का पद देने की किताब देने की बात की गई और उन्होंने उसे पूर्वक ठुकरा दिया कहने का भाव यह है कि मुंशी प्रेमचंद लेखक बने रहना चाहते थे और लेखक के रूप में ही अपना स्थान इस देश में साहित्य में देखते थे रंगभूमि उपन्यास जो है उनका ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है ये बात और है कि दलित अकादमी ने इस उपन्यास को दलित विरोधी कहकर इसकी प्रतियां जलाने का कार्य भी किया था लेकिन रंगभूमि वह उपन्यास है जो कि साम्राज्यवाद विरोधी है साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक बूढ़े कृषकाय और प्राय साधनहीन भिखारी के रूप में जी रहे सूरदास का संघर्ष है सूरदास को पुश्तैनी दस बीघे ज़मीन मिली है लेकिन वो उसे अपने लिए प्रयुक्त नहीं करता गांव के लिए गायों के लिए उसने चरागाह के रूप में उस ज़मीन को छोड़ा है उस जमीन को एक उद्योगपति हथियाना चाहता है तो मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि उस वृद्ध का उस साधनहीन कमजोर व्यक्ति का संघर्ष वास्तव में महात्मा गांधी का सा संघर्ष है जो कि शांतिपूर्ण उपायों से आने वाली पूंजीवादी शक्तियों से लड़ना चाहता है बनारस के निकट पांडेपुर गांव में बैठा सूरदास संघर्ष करता है आलोचक चमन लिखते हैं रंगभूमि उपन्यास पढ़ते हुए जो बात सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ध्यान में आती है वह है इस उपन्यास में व्यक्त प्रबल राष्ट्रीय चेतना पूरा उपन्यास जैसे राष्ट्रीय सम्मान और अस्मिता की भावना से ओतप्रोत है वास्तव में इस उपन्यास में प्रेमचंद ने राष्ट्र के विरोध में और राष्ट्र के पक्ष में खड़ी होने वाली शक्तियों को चिन्हित किया है रामविलास शर्मा स्पष्ट कहते हैं कि यह है उपन्यास सामंत और साम्राज्यवाद विरोधी है जो शक्तियाँ स्वाधीनता संग्राम के पक्ष में लड़ रही हैं वे पैसे वाले लोग नहीं हैं वो साधन संपन्न लोग नहीं हैं गरीब और मेहनत का जनता है बूढ़ा भिखारी सूरदास है बनारस शहर के कुछ उच्च वर्ग के लोग हैं जो कि साथ देते हैं जिनमें विनय सोफिया इंद्रदत्त और रानी जानवी जैसे पात्र हैं लेकिन जो शक्तियाँ देश की आज़ादी के विरोध में खड़ी हैं वो कम शक्तिशाली नहीं हैं उनमें सामंत हैं उनमें पूंजीपति जॉन सेवक हैं उनमें राजा महेंद्र नाथ हैं ये सब भारतीयता के शत्रु के रूप में हमारे सामने आते हैं पूंजीवादी जॉन सेवक के साथ मिलकर ये उस निर्हत्थे निर्धन की भूमि को हथिया लेते हैं और वहाँ पर अंततः सिगरेट का कारखाना बन जाता है लेकिन सूरदास का संघर्ष समाप्त नहीं होता वो सत्याग्रह करता है अंततः गोली चलती है और उसमें वो मारा जाता है लेकिन मृत्यु के क्षणों में भी वो निराश नहीं है वो कहता है कि ये जीवन तो रंगभूमि है खेल का मैदान है इसमें हार जीत तो चलती रहती है लेकिन हम फिर उठेंगे फिर तैयारी करेंगे और फिर लड़ेंगे ये वास्तव में गांधी के आंदोलनों की गूंज इसमें है अनेक आंदोलन सफल नहीं हुए लेकिन गांधी ने हार नहीं मानी। इसलिए कुछ लोग ये मानते हैं कि सूरदास गांधी का ही दूसरा रूप है इस प्रकार से स्वाधीनता आंदोलन को लेकर रंगभूमि उपन्यास एक पूरे साम्राज्यवादी शक्तियों से लड़ाई लड़ने का उपन्यास बनकर हमारे सामने आता है इसके साथ ही धार इस देश के लिए बहुत आवश्यक है ऐसा प्रेमचंद मानते थे वास्तव में दलित शब्द जो है वो गांधी जी के समय में हरिजन के रूप में प्रयोग होता था दलितोद्धार की भावना मुंशी प्रेमचंद ने कर्मभूमि भूमि उपन्यास में बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की है मंदिर प्रवेश का प्रश्न दलितों के लिए धार्मिक ही प्रश्न नहीं था वो उनकी अस्मिता से जुड़ा प्रश्न था इसलिए जब गांव के लोग अमरकांत के नेतृत्व में मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं और उसे ब्राह्मण पुजारी अंदर नहीं जाने देता तो शांति कुमार जो कि उनके साथ उनका पथ प्रदर्शन कर रहा है कहता है वह हरे ईश्वर के भक्तों वाह क्या कहना है तुम्हारी भक्ति का जो जितने जूते मारेगा भगवान उस पर उतने प्रसन्न होंगे उसे चारों पदार्थ मिल जाएंगे सीधे स्वर्ग से विमान आ जाएगा मगर अब चाहे जितना मारो धर्म तो नष्ट हो ही गया अर्थात दलित जो हैं मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं वहाँ पर संघर्ष होता है बहुत से लोगों को चोट आती है घायल होते हैं लेकिन मंदिर प्रवेश का कार्य जो उस समय बाबा साहब अम्बेद कर, कर रहे थे उसकी ध्वनि इस उपन्यास में कर्म भूमि में स्पष्ट दिखाई पड़ती है इसलिए अंत में कहा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद शांति कुमार के शब्दों में कह रहे हैं क्या तुम ईश्वर के घर से गुलामी करने का वीड़ा लेकर आए हो तुम तटबन से दूसरों की सेवा करते हो पर तुम गुलाम हो तुम्हारा समाज में कोई स्थान नहीं है तुम समाज की बुनियाद हो तुम्हारे ही ऊपर समाज खड़ा है पर तुम अछूत हो तुम मंदिर में नहीं जा सकते ऐसी अनिति इस अभागे देश के सिवा और कहाँ हो सकती है क्या तुम सदैव इसी भांति पतित और दलित बने रहना चाहते हो एक आवाज़ आई पर हम कर क्या सकते हैं मुंशी प्रेमचंद का कहना है संगठन और सद्भाव दोनों को लेकर अगर चलेंगे तो तथाकथित दलित समाज का उद्धार संभव है वे भी आत्मनिर्भर होकर एक सशक्त नागरिक के रूप में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं धन्यवाद